रिकॉम का मतलब होता है मसल बिल्डिंग के साथ साथ फैट लॉस करना, मत नेस्टी आया यूट्यूब पर वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, बढ़िया मजा आएगा इन टोटल। भाई आज सुबह का बॉडी वेट चेक कर लो, थोड़ा बढ़ा हुआ आएगा क्योंकि हाथ में फोन भी पकड़ा हुआ है। 61 आया था, अभी 61.4 दिखा रहा है भाई। 61 आज का वेट इतना नहीं है। जब से भाई रील अपलोड करनी शुरू करी है ना मैंने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के लिए तो भाई मेरी मोटिवेशन से ही मर गई है। पिछली बार जब मैंने एक वीक के लिए डेली अपलोड डाली थी ना, डेली अपलोड करी थी वीडियो, तो मेरे को भाई एक नंबर मोटिवेशन आ रही थी। तो मैंने सोचा अभी सो के उठा हूँ ऐसे मैं, इसलिए आँखें रगड़ रहा हूँ कि हाँ, तो मैंने सोचा कि दोबारा से वो चीज़ शुरू करते हैं। डेली अपलोड शुरू है भाई दोबारा से, पता नहीं कब तक ये स्ट्रीक मेंटेन कर पाऊँगा मैं। वैसे तो एक हफ्ते का टारगेट है, बाकी देखते हैं। अभी भाई सो के उठा हूँ, पानी पीता हूँ और मील बनाता हूँ, मील खाता हूँ, फिर जिम चलता हूँ। बन के रेडी हो गए भाई पैनकेक्स, और आज इसमें ना मैं बेकिंग पाउडर डालना भूल गया, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लैट बने, फ्लफी नहीं बने। और ये सॉस, 1:30 बज रहा है और मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। और जिन लोगों को इस और जिनको इसकी रेसिपी जाननी हो ना, वो लास्ट वीडियो चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने बताई हुई है। बहुत ज़्यादा फ्लैट बने आज यार, बेकिंग पाउडर डालना ही भूल गया। टेस्ट तो अभी भी है, प्री वर्कआउट मील है मेरी, इसके बाद सीधा जिम जाऊंगा मैं, कुछ नहीं खाऊंगा। वैसे तो वाटरमेलन खाता पर वाटरमेलन है नहीं, ख़त्म हो रखा है, तो यही खा के और प्री वर्कआउट पी के और थोड़ा सा नमक खा के जिम में मिलेंगे। वॉट इज अप गाइज, वेलकम बैक। अब ना बहुत दिनों से ना मेरा यूट्यूब पर वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, और आज भी नहीं कर रहा था भाई। आज मैं जबरदस्ती में आया भाई, बनानी है। मेरे को मज़ा आता है करने में, पर ना ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, तो फिर ना डिमोटिवेट सा हो जाता हूँ थोड़ा। अब इंस्टाग्राम का क्या है, मैं रील डाल रहा हूँ, डेली अपलोड कर रहा हूँ, तो भाई उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। डेली के मेरे ठीक ठाक बढ़ जाते हैं, क्या बोलते हैं, फॉलोअर्स। और यहाँ पे यूट्यूब पे ऐसा नहीं है, यूट्यूब थोड़ा सा मुश्किल तो है ही, वो तो मेरे को पता ही था, पर इतना मुश्किल है ये नहीं पता था। अभी तो भाई अपना शोल्डर और आर्म्स है मेरे, तो वार्म अप कर रहा हूँ, शोल्डर अच्छे से वार्म अप कर लेता हूँ, उसके बाद शोल्डर ट्रेन करेंगे और आर्म्स ट्रेन करेंगे। और आज मैं थोड़ी सी रिकॉम्प के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि भैया रिकॉम्प के बारे में वीडियो बनाओ, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बीच बीच में घुसेड़ दूंगा मैं। और क्या था, बस इतना ही था, बाकी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं डायरेक्ट। अब जो भी शोल्डर प्रेस करने वाला इक्विपमेंट होता है ना, वो बिल्कुल स्टीप होता है, या तो 90 डिग्री पर होता है या उससे बिल्कुल हल्का सा ज़्यादा होता है। जब इस एंगल पे हम बैठते हैं ना, तो अच्छे से पुश नहीं कर पाते, ज़्यादा वेट नहीं उठा पाते, और थोड़ा सा बैक में आर्क बना लेते हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती अपने को। तो इसलिए क्या करना है, जब भी शोल्डर प्रेस किसी इक्विपमेंट पे करो तो हल्का सा आगे हो जाओ, ताकि यहाँ पे ना हल्का सा गैप हो जाए, ठीक है। अब आपका एंगल ऐसे हो गया थोड़ा सा, इससे क्या होगा, आप ज़्यादा वेट भी उठा पाओगे और स्टेबिलिटी पर उतना आपको नहीं ध्यान देना पड़ेगा, आपका पूरा शोल्डर पर वेट ज़्यादा आएगा, या क्या बोलेंगे, छोड़ो यार, जो भी है, बढ़िया मजा आएगा इन टोटल। फर्स्ट सेट करने जा रहा हूँ अभी मैं अपना, इसका लेट्स गो भाई। 55 किलोज लगाए हुए मैंने, दो और, ओ भाई 15 आ गए। अगर यहीं मैं 90 डिग्री पे बैठा होता ना, तो इतने रैप भी नहीं आ पाते और इतना जोर नहीं लगा पाता मैं। एक सेट हो गया, दो सेट और करूँगा इसके, नहीं एक सेट हुआ, एक सेट और करूँगा, बस दो ही सेट करूँगा इसके मैं, क्योंकि फ्रंट डेल्ट को उतना अच्छे से क्या बोलते हैं ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेस मूवमेंट करते हैं, चेस्ट ट्रेन करते हैं, तो ये भी इंगेज हो जाता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता मैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं हैवी लेटरल रेजेस मारना पसंद करता हूँ, पर नहीं रुक जाओ, क्या कह रहा था मैं, हाँ जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे को हैवी लेटरल रेजेस मारना कितने पसंद है, पर जब से मैं इस जिम में आया तो मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी थी, मैं ये इस वाले इक्विपमेंट पे करने लग गया था लाइट वेट के साथ। अब मेरे को पता क्या लग रहा है कि मेरे शोल्डर में उतना पंप नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे डेड्स को ज़्यादा वेट उठाने की आदत है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक सेट इसका मार लेता हूँ ड्रॉप के साथ, पहले मैं
जितने लगेंगे उतने मारूंगा, उसके बाद ड्रॉप कर लूंगा वेट, उसके बाद मैं दो सेट मारूंगा हैवी लेटरल रेजेस के, तो इन टोटल लेटरल रेजेस के मेरे 3 सेट हो जाएंगे और वो ज़्यादा मेरे को ठीक लगता है करना। डंबल से लेटरल रेजेस करने में अलग ही मज़ा आता है भाई। अब मैं डायरेक्ट हैवी लेटरल रेजेस क्यों नहीं मार रहा, अब इस पर मैं लेटरल रेजेस लाइट वेट से करके क्या कर रहा हूँ, मेरे जो साइड डेल्ट्स हैं वो थोड़े बहुत एंगेज हो जाते हैं जब मैं हैवी लेटरल मारूंगा डंबल से गंदी फॉर्म के साथ ऑफ कोर्स, तो मेरे साइड डेल्ट्स पर और ज़्यादा आएगा। डन भाई, एक ही सेट करना था, अब डंबल वाले पर चलते हैं। जिम में ट्रेन करते वक्त ना एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा करो, हर एक्सरसाइज का ऑप्टिमल होना ज़रूरी नहीं है, जिसमें आपको मज़ा आ रहा है और आप उसमें अपने आप को पुश कर पा रहे हो, हार्ड ट्रेन कर पा रहे हो, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब भाई फर्स्ट सेट है मेरा डंबल रेजेस का, डंबल लेटरल रेजेस का 20 किलो लिया हुआ मैंने, फेलियर 20 के आसपास रेप तो मार ही दूंगा। इसमें जो बर्न फील हुआ ना मेरे को लाइट वेट के साथ भाई, वो मज़ा नहीं है। एक सेट हो गया, एक और करूँगा और वो ड्रॉप भी होगा, उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे क्या बोलते हैं रिवर्स फ्लाई पे। वैसे तो मेरे को पहले करनी थी रिवर्स फ्लाई सबसे, पर मेरे दिमाग से निकल गई तो इसलिए एंड में कर लेंगे। अब वैसे तो मैंने कल ही बैक ट्रेन करी है, तो रियर डेल्ट्स मेरे कल एंगेज हो गए थे, इसलिए आज मैं 2 ही सेट करने वाला हूँ रियर डेल्ट्स के, और वैसे तो 3 करूँगा पर पहला जो सेट होगा वो सिर्फ एंगेज करने के लिए होगा, ताकि मेरा माइंड मसल कनेक्शन थोड़ा सा आ जाए मेरे रियर डेल्ट्स पर, उसके बाद 2 वर्किंग करूँगा मैं, दोनों फेलियर और लास्ट वाला ड्रॉप भी होगा। पहले मैं अपने डेल्ट्स एंगेज करने के लिए लाइट वेट लगा लेता हूँ और 10 रेप मार लेता हूँ ताकि फील आ जाए थोड़ा सा रियर डेल्ट्स पर। सात रेप मारे, फील हो रहे हैं हल्के हल्के, अब डायरेक्ट वर्किंग पे आऊँगा मैं 50 किलो से, 2 सेट मारूंगा और लास्ट वाला ड्रॉप। यूजुअली हम जब रियर डेल्ट्स करते हैं ना रिवर्स फ्लाई पर इस वाली मशीन पर, तो बैठ के करते हैं, पर बैठ के मेरे को भाई आज तक बिल्कुल फील ही नहीं आया, इसलिए मैं शुरुआत से ही खड़े होकर मारता हूँ, और खड़े होकर तो भाई रियर डेल्ट्स पूरे पूरे फील होते हैं, और जब खड़े होकर रियर डेल्ट्स करो ना तो जो ग्रिप आप पकड़ो ना तो वो आपके डेल्ट से हल्की सी नीचे होनी चाहिए, आपका हाथ का जो एंगल है नीचे जा रहा होना चाहिए हल्का सा, ज़्यादा नहीं हल्का सा, तो ज़्यादा फील आएगा आपको। अगर आप बराबर रखोगे तो उतने अच्छे से नहीं आएगा, ट्रैप्स ज़्यादा ओवरटेक कर लेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा एंगल ऐसे रखना ऐसे 50 किलो ओ भाई 20-22 रेप आए, ज़्यादा रेप मारना प्रेफर करता हूँ मैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि डेल्ट्स में सारी एक्सरसाइज में मैं ज़्यादा ही रेप मारता हूँ, तभी मेरे को थोड़ा ठीक लगता है डेल्ट्स इन करना। कम रेप के साथ मारूँ तो भाई पंप ही नहीं आता, और ज़्यादा वेट होता है तो भी पंप नहीं आता, तो इसलिए लाइट वेट और ज़्यादा रेप। एक सेट हो गया, एक और करूँगा, वो ड्रॉप भी होगा, फिर काम शुरू करूँगा। ट्राइसेप वैसे तो मैंने शुरू कर दिया, लास्ट सेट है मेरा ट्राइसेप पुश डाउन का, 2 ही करूँगा मैं पुश डाउन के सेट्स, और लास्ट वाला ड्रॉप भी होगा, एक मैं कर चुका हूँ, एक और करूँगा, इसके बाद मैं करूँगा, दिखाता हूँ क्या करूँगा मैं, उसके मैं 3 सेट मारूँगा, इसके मैं 2 ही कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादा मज़ा आने लग गया आजकल मेरे को, इसलिए मैं उसके 3 मारूँगा, इसके 2। चलो भाई, और भाई मैं रिकॉम्प के बारे में तो बताना ही भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गई, एंड में जब मैं पोजिंग करूँगा ना, जब मैं रिकॉम्प के बारे में बता दूंगा, तो जो लोग रिकॉम्प देखने आए हैं
वो पोजिंग वाले पार्ट पर स्किप कर सकते हो, बाकी जो लोग मेरे को देखने आए हैं वो लगे रहो देखते रहो मतलब जो बर्न फील होता है ना हाफ रेप में ट्राइसेप करते हुए, जो इतने रेप आते हैं भाई वो खतरनाक ही होते हैं। लास्ट सेट था मेरा, ये ड्रॉप भी करूँगा मैं और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। ओ भाई हाँ, सेकंड एक्सरसाइज मेरी ट्राइसेप्स की। एक सेट मैं पहले कर चुका हूँ, दूसरा है मेरा, सेकंड वर्किंग सेट है मेरा और आजकल मेरी भाई फेवरेट चल रही है। इस पर ना मेरे को कॉन्ट्रैक्शन बहुत तगड़ा फील हो रहा है, इसलिए मैं इसके 3 सेट कर रहा हूँ आजकल। और क्या था और कुछ है नहीं बताने को चलो भाई सेकंड सेट करते हैं। 90 किलोज लगा रखा है मैंने, पिछले सेट में मैंने 80 लगाया था पर मेरे को लाइट लगा, मैंने 20 पार रैप मार दिए, तो इस बार मैं का 90। सही सेट था ये, दूसरा था सेट मेरा ये, एक सेट और है वो वाला ड्रॉप भी होगा, उसके बाद बाइसेप पे चलेंगे। एनर्जी तो भाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है मेरी, पर फिर भी करना तो पड़ेगा ओ भाई वर्कआउट तो डन हो चुका है। अबे इतना काला क्यों हो रहा हूँ, रुको यार। हाँ अब ठीक है वर्कआउट तो भाई मेरा डन हो चुका है। ट्राइसेप दिखाई मैंने, बाइसेप नहीं दिखाई क्योंकि गाने बहुत तेज चलने लग गए थे, और अगली बार जब मैं शोल्डर्स करूँगा तो आर्म्स तो करता ही हूँ साथ में, तो अगली बार ट्राइसेप ना दिखा के बाइसेप दिखा दूँगा, ऐसे कर लेंगे। दो ही एक्सरसाइज करी मैंने बाइसेप की, एक मैंने करी बारबेल कर्ल और एक मैंने करी प्रीचर कर्ल, दोनों के दो दो सेट करे, चार ही सेट करे बाइसेप के, ज़्यादा नहीं करे। और आज भाई पंप बहुत ज़्यादा नेस्टी आया। और हाँ मैं रिकॉम्प के बारे में बात करने वाला था, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अब बोला है तो बता ही देता हूँ। रिकॉम्प का मतलब होता है मसल बिल्डिंग के साथ साथ फैट लॉस करना, मतलब जो मैंने करा था, मैंने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि धीरे धीरे फैट लॉस करा था और साथ साथ मसल बिल्ड भी करी थी। जैसे जैसे हम मसल बिल्ड करते हैं तो हमारी बॉडी फैट यूज़ करती रहती है एनर्जी के तौर पर, और मसल बिल्ड होती रहती है हमारी। ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। अब इसमें हमें क्या करना होता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा फैट है ना तो भाई वो ये मत करो, जो जिसका नॉर्मल सा बॉडी फैट है जैसे 18-19-20 के आसपास है तो भाई वो रिकॉम्प करो, उनके लिए फ़ायदा करेगा। अगर 20 पार है तो भाई पहले आप कट करो, उसके बाद जो आपको करना है आप कर सकते हो। और जो लोग स्किनी है भाई उनका तो रिकॉम्प करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। रिकॉम्प करते हो ना जब, तो हमें मेंटेनेंस पर खाना होता है, जितनी कैलरीज से हमारा वेट मेंटेन रहे उतना खाना होता है, और वर्कआउट में कोई चेंज नहीं करना होता, यही है बस रिकॉम्प। ऐसा कुछ क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बस रिकॉम्प का मतलब है मेंटेनेंस पर खाना। और ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, याद रखना, ये नहीं है कि भाई 1 महीने 2 महीने या 6 महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, इसमें भाई सालों लग जाते हैं सच बताऊँ तो। अगर अच्छे से रिकॉम्प करना है तो सालों लग जाते हैं, मेरे को भाई रिकॉम्प करते हुए मतलब मेंटेनेंस पर खाते हुए ऑलमोस्ट 6 साल के आसपास हो चुके हैं और रिजल्ट आपके सामने है। पर जो रिकॉम्प से रिजल्ट आते हैं ना भाई A1 होते हैं, इसलिए भाई ये बल्क वल्क करना फॉलो करना बंद कर दो, टट्टी चीज़ है भाई बल्क मत करा करो, रिकॉम्प करो। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट हो तो भाई कट कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्किनी हो, सिंगल डिजिट बॉडी फैट है, बिल्कुल पतले हो तो भाई बल्क आपको फ़ायदा करेगा, और नॉर्मल सा बॉडी फैट है 15-17 के आसपास है, 12-15-17 ऐसे है तो भाई मेंटेनेंस पर खाओ वो बेस्ट है। यही था रिकॉम्प, और कोई रिकॉम्प पे कुछ ऐसा होता नहीं है। और वर्कआउट में ना कभी भी चेंज नहीं करना होता, चाहे आप बल्क कर रहे हो, कट कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, वर्कआउट आपका वही रहता है, बस डाइट करती है ये सब चीज़ें। रिकॉम्प कर रहे हो तो मेंटेनेंस पर खाना है, कट कर रहे हो तो भाई कैलोरी डेफिसिट में खाना है, और बल्क कर रहे हो जो कि करना नहीं चाहिए ज़्यादातर बंदों को, जिनका बॉडी फैट कम है वो करो, और या तो जो जैसे मैं अभी कंपटीशन खेल रहा हूँ तो मेरा बॉडी फैट बहुत ज़्यादा लो है, जब मैं कंपटीशन से बाहर आऊँगा तो मैं कैलरीज थोड़ी बढ़ा दूंगा अपनी, तो उसको बल्क ही बोलेंगे, पर उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा कि एकदम से फैट हो जाऊँ, 200-300 बढ़ाऊँगा ताकि थोड़ा मेरे को अच्छा लगने लग जाए, एनर्जी वापस आ जाए मेरी। बस भाई यही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आएगी कल, क्योंकि
डेली अपलोड का भाई वादा करा है तो निभाएंगे। अबे हेयर स्टाइल कैसे सो रहा है, देखो बाबू लग रहा हूँ बाबू। हाँ क्या कह रहा था मैं, जब किसी चीज़ का करने का मन नहीं होता ना, जैसे मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था तो मैंने वीडियो बनाई तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि जब किसी चीज़ कोई चीज़ करने का मन ना कर रहा हो तभी करो, तो ज़्यादा डोपामाइन रिलीज होता है, मतलब क्या बोलूँ, खुशी ज़्यादा होती है।